लाल टंकी अमराई में क्रिसमस का त्यौहार अनोखे अंदाज में मनाया गया। यहां उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटकर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई एवं उसके पश्चात बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। यह जानकारी बिन्नी जॉर्ज ने दी। बिन्नी जॉर्ज ने बताया कि इस अवसर पर कई बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति इतनी शानदार थी कि सभी ने उन्हें पुरस्कार के रूप में गिफ्ट प्रदान किया। इस अवसर पर सुंदर सिंह परमार, महेश मालवी, अनिल बोरसे, अनिल पवार एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं जन सहयोगी मौजूद रहे। संजना बेले द्वारा 10 बच्चों को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। लोरिटा सैमसंग रिवाइवल चर्च के अध्यक्ष लोरिटा सैमसंग, पास्टर विनय सिंह, सतीश आनंद, लोकेश जॉन, जैकवेल सैमसंग, सिप्रा दी आदि कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज यीशु महेश का जन्मदिन आपने बड़ी धूमधाम से मनाया है, बच्चों को गिफ्ट वितरण किए हैं, कैसी प्रेरणा मिली आपको? तो मेरा शुरू से एक मेरा जीवन से लेके एक 28 था कि मैं गरीब लोगों के बीच में समाज सेवा करूं। मेरा दिल में एक प्रति आया शायद 96 से लेके मैं अकेले में मैंने अपने जीवन यापन किया, अकेले रहा और कितना मुसीबत आए। जब से मैंने सोचा था कि मैं एक गरीब बस्तियों में सेवा करेंगे हम और गरीब लोगों के बीच में हम अपने आप को एक मददगार साबित करेंगे, हमसे इतना बनता है मददगार साबित करते हैं हमारा परमार दादा जी और हमारे श्री महेश मालविया जी, सब लोग हमारे चर्च वाले, हमारे परिवार वाले, नगर वासियाँ सब लोग मिलके हमारा सपोर्ट करते हैं। हमें एक इच्छा होती है कि हम बच्चे लोगों को ये अच्छा रास्ता दिखाएं। इसका उद्देश्य ये है कि ये त्यौहार बनाने का मतलब अच्छा रास्ता, अच्छी से सच्चाई रास्ते में चलने का, एक बच्चे लोगों को प्रैक्टिस गाना चर्च के प्रति और सच्चाई के प्रति एक भी शिक्षा सिखाना, ये मेरा महत्वपूर्ण रहा इस विधि में। और मेरे को नगर वासियों से लेकर सब लोग साथ देते हैं, इसी आधार पर मैं ये प्रोग्राम करती हूँ। सब लोग आभारी हूँ, सब लोग आते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बिनी जी, आप लगातार समाज में लगे रहते हो, सारा जीवन कुर्बान कर दिया जी, और मेरे इच्छा है कि मेरे को अगर अचानक कुछ हो भी जाए तो इस भवन को, छोटा सा भवन को, इसको समाज के थ्रू इसमें सेवा हमेशा लगा रहे, हमेशा बच्चे लोगों के प्रति ये भवन लगा रहे, एक यादाश रहे, ये मेरे जीवन का प्रति है। धन्यवाद। का जन्म दिवस है जैसे कि लाल टंकी अमराई में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसमें उनके फॉलोअर्स और क्षेत्र के समस्त लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है और कुछ गिफ्ट वगैरह भी वितरण की जाती है। इसमें मिनी जॉर्ज जो है
को विशेष करके हर बार इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करती है और सभी लोगों को एकत्रित भी करती है। हम लोग सब भी उसमें उपस्थित होते हैं और प्रभु यीशु मसीह का संदेश था कि प्यार करना, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का अच्छा करें, गरीबों का हित करें, और उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए हम भी आज सभी संकल्प ले रहे हैं कि आपस में प्यार से रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई और आपस में प्यार से रहें, प्रभु के जो नियम थे जो आदेश थे उनको माने और उनके चरण कमलों के चिन्हों पे चलने की कोशिश करें, प्रयास करें। आज अमराई लाल टंकी क्षेत्र में प्रभु यीशु को जन्मोत्सव बहुत आनंद के साथ यहाँ पे आदरणीय विनय जी हैं, हमारी बहन जी विनी जॉर्ज ये कई सालों से यहाँ कार्यक्रम आयोजित करती हैं और उसके पीछे मूल भावना ये कि सारे लोग प्रेम स्नेह से, जैसे प्रभु यीशु ने संदेश दिया कि सब मिलजुल कर प्रेम से रहें, ये जगत ये दुनिया इसमें सिर्फ एक ही शब्द रहे, प्रेम 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 केवल। आज उनके जन्मोत्सव पर मैं सभी को शुभकामना देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पूरे हमारे देश में, भारत में, विश्व में आपस में सब प्रेम से रहे। इन्हीं शब्दों के उत्सव किसी का भी हो उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और आज के दिन जिनका जन्मदिन है या जिनका जन्मोत्सव मना रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक विश्व को बांधने के लिए अपना जीवन जीते जी और जीने के बाद भी दिया। ऐसे ईसाई समाज के प्रभु यीशु का जन्मदिन है, ऐसे जन्मदिवस पर जैसे उनकी मंशा भी थी कि गरीब बच्चों के बीच में होना चाहिए, गरीब लोगों की सेवा होना चाहिए, ये विनी के द्वारा जो लाल टंकी अमराई परिसर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है प्रभु यीशु का, वास्तव में ये उन जन्मोत्सव में सबसे अच्छा एक कार्यक्रम है जो यहाँ लाल टंकी में गरीब बस्ती के साथ मनाया जा रहा है। मेरे मित्र और साध्वी गोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा जी की ओर से यीशु मसीह के जन्मदिवस पर अमराई परिसर के वासियों, बच्चों और सबको मेरी शुभकामनाएं। सर आज क्रिसमस त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। आज क्रिसमस डे के दिन पूरी दुनिया के अंदर आज प्रभु को यीशु को याद करते हुए जश्न मनाया जाता है और आज हमारे अमराई क्षेत्र में भी विनी जी द्वारा और हमारे सभी साथियों बोले जी और तमाम सारे साथियों द्वारा आज ये क्रिसमस डे के दिन यीशु प्रभु को याद किया जा रहा है। तो हम सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आगामी नववर्ष के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं कि सारे लोगों का मंगलमय हो और जो तमाम सारी परेशानियां इस दुनिया के ऊपर आई है उस दुनिया, हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि ये जो बीमारी आई है इस दुनिया इससे परेशान है, सबको निजात दिलाएंगे, ऐसी यीशु प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और मैं शासन का धन्यवाद देती हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा ये बड़ा त्यौहार मनाने में सहयोग प्रदान किया। और मैं अपने समाज को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्यौहार मनाने में हम सबकी सहायता की। थैंक यू।